चलो पार्ट 22, ये दोनों हिसाब में ये अति महत्वपूर्ण है। तो पहले 6 देखो, व्याख्या कीजिए कि इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो दी गई संख्याएं कितना है, दी गई संख्या बराबर 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 पूरे को हल करेंगे तो एक संख्या प्राप्त होगा। कराइए भाज्य संख्या क्यों है, यानी प्रश्न के अनुसार ये भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है ये पूछ रहा है। तो हल करके देखो ना आ क्या रहा है भाज्य संख्या के रूप में। तो संपूर्ण में कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है, 13 यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना, ये गुना के रूप में है तो ये 13 अकेले नहीं है बल्कि गुना के रूप में एक है, है ना। तो अगली पंक्ति में अपने से गुने एक कर दो ताकि तुम लोगों को कॉमन समझ में आ जाए जल्दी। 13 को 13 गुने एक, अब दोनों में 13 कॉमन निकाल लो, तो 7 × 11 × 1 × 1 = 1, ये हो गया 13 × 11 = 77। वो यहाँ हाँ प्लस है ना, 11 × 7 = 77 = 1, तो 13 × 77 = 78, तो कितना हो गया 13 × 13 = 78 लिखे, वो गुना करके लिखना ही होगा। पहले एक बार ये तोड़ करके लिखो, 13 × 26 = 78 या 13 × 78 होता है ना, तो 13 × 13 इसको भी अभाज्य संख्या में तोड़ो, 2 × 6 है। देखो बराबर होगा कितना, तो 13 को गुना करेंगे तो 169 और 2 × 6 169 × 6 = 54, 5 × 6 = 36, 5 × 41 = 10, 14 हो रहा है समझा, गुना करके 10, 14। चलो बोर्ड पर समझो ने जी कहाँ ध्यान है, गुना करके जो हम लोग को दी गई संख्या इस रूप में था हल करके प्राप्त हुआ 10 × 14 के रूप में, है ना। तो लिखेंगे इसलिए दी गई संख्या बराबर 10 × 14, है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, एवं 10 × 14 का अभाज्य गुणनखंड, तो ठीक ऊपर वाला पंक्ति में देखो तो ये अभाज्य गुणनखंड ही ना है, तो लिख सकते हैं 2 × 3 × 6 × 13 × 13। अब ये भाज्य संख्या, दी गई संख्या भाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। ये 10 × 14 जो के रूप का ये रूप जो है इसको हल किए तो हम लोग को जो 10 × 14 प्राप्त हुआ है, तो ये 10 × 14 किस किस से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, एक और स्वयं को छोड़कर 2 से भी कट रहा है, कट रहा है ना, 2 से भाग देंगे तो आराम से कटेगा, 3 से भी अभाज्य गुणनखंड के एक एक गुणनखंड से कटेगा, बोलो तो। कोई भी संख्या किससे पूर्ण रूप से विभाजित होता है, अपने अभाज्य गुणनखंड से। जैसे देख लो 24,
वो कौन कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है, तो इसको दो से भी कट रहा है, चार तीन से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है, छह से, आठ से, बारह से। पहले पंक्ति सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज तुम लोगों को इसके बाद यही बतला देंगे, लिखा भी देंगे। कोई भी संख्या ये इन 24, देखो तो दो तीन एक से तो सब करता है ना, दो तीन चार छ आठ बारह, यानी तीन तीन छ संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो वास्तव में ये छ संख्या किस तरह की संख्या है, ये 24 के गुणनखंड में ही आने वाली संख्या है। कैसे, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं 24 बराबर 12 गुने 2। किसी भी संख्या को गुना के रूप में लिखना गुणनखंड कहलाता है। तो 24 को हम गुना के रूप में 12 गुने 2 लिखे तो 12 पहला गुणनखंड कहलाएगा, 2 दूसरा गुणनखंड। लेकिन ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं है, नहीं ना है। फिर हम लोग लिख सकते हैं 24 बराबर 6 गुने 4 लिख सकते हैं। तो 24 का तो ये वास्तव में ये भी गुणनखंड है, जिसमें पहला गुणनखंड 6 है, दूसरा गुणनखंड 4 है। लेकिन ये कैसा गुणनखंड है, 6 भी भाज्य संख्या है, 4 भी भाज्य संख्या है ना। लेकिन ये देखो तो 24 2 2 4 2 8 फिर 24, इस गुणनखंड को देखो तो ये कैसा गुणनखंड है 24 का, ये तो सब अभाज्य संख्या है। इसलिए ऐसे गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये, कोई भी संख्या तो तुम लोगों को एक प्रश्न लिखना है, इसके बाद ये बता देंगे। इसके बाद तो कोई भी संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किन दूसरी संख्याओं से विभाजित पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है, तो इसका आंसर है कोई भी संख्या एक और स्वयं को छोड़कर अपने गुणनखंड से ही विभाजित होती है और किसी दूसरे से नहीं। जैसे 24 का गुणनखंड में 6 और 4 आता है ना, तो 6 चौका 24 24 को काट रहा है ना पूरा पूरी, 6 इसके गुणनखंड में आता है, 4 भी आता है गुणनखंड में, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है ना। अब 24 बराबर 12 गुने 2 ये भी आ रहा है, 8 को लिखेंगे तो 8 गुने 3। कहने का अर्थ कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से कटता ही है, या कोई भी संख्या, ये बात तो सही है ही, कोई भी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है। पता है ना, जैसे 24 को विभाजित पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्याएं उसका गुणनखंड तो है ही भाज्य गुणनखंड, इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड भी होता है। जैसे 2 24 में भाग 2 12 आएगा, 3 से भाग 2 तो 8 आएगा। तो ये बात इसीलिए बोले, अब तुम लोग इस हिसाब में देखो, धर्मात्मा हम भेज देंगे तिहार जेल, जान लो इतना जो हस्ती हो। चलो देखो, 10 और 14 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ, इसका मतलब 10 और 14 एक एवं अपने आप से विभाजित होने के अलावा 2 से 3 से 13 से भी विभाजित हो रहा है। इसलिए 10 और 14 एक भाज्य संख्या है न कि अभाज्य, तर्क में देना होगा। इसका आंसर तू लोग समझ गया है, दी गई संख्या क्यों भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है, दी गई संख्या
हमें 10 और 14 के रूप में प्राप्त होता है, जो एक और स्वयं के अलावा 2, 3 एवं 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसलिए 10 और 14 एक भाज्य संख्या है। समझ गया? तो चलो तू लोग लिखो, हम यहाँ लिखते हैं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। दूसरा व्याख्या कीजिए कि ये वाला तो बना दिए, ये वाला भी कहता है एक भाज्य संख्या है। यहाँ से यहाँ तक जो दिया है तो भाज्य संख्या है, क्यों है ये बना लोगी ना तुम लोग। तो चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको अगले पार्ट में रहने दो, 10वां पार्ट में।